इच्छा होती की महाराजांचा चातुर्मास पुण्यामध्ये व्हायला पाहिजे. महाराजांनी त्याला स्वीकृती दिली आणि आपल्या सर्वांच्या प्रचंड प्रेमामुळे आजची मिरवणूक पुण्यातली सर्वात लक्षवेधी मिरवणूक झालेली आहे आणि मला याचा अभिमान आहे, आपल्या सर्वांचा अभिमान आहे. आणि महाराजजी मी आपल्याला विनंती गुरुदेव मैं आपको विनती करता हूं कि हमारी कोई गलती हो गई तो हमें माफ करना, क्या गलतियां होती है वो हमें बोल देना और हम उसमें आगे सुधार करते जाएंगे. और आपका ये चार महीने का, साढ़े तीन महीने का हम पुणेवासियों को जो आपका सहवास मिलेगा ये चातुर्मास के कारण, और हमारे ज्ञान में जो वृद्धि होगी, हमें जो लाभ मिलेगा, ये पुणे वालों को लाभ मिलेगा. मैं बोलता हूँ एक अलग, पूरे देश में चातुर्मास तो हर साल होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पूना का चातुर्मास एक बेंचमार्क बने पूना पूरे इंडिया में. मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बहुत टाइम हुआ है, महाराज जी को आपको सबको सुनना है. तो मैं इसके बाद आज के सारे जो गेस्ट लोग हैं, अपनी अध्यक्ष है शोभाताई जी धारीवाल, ओम प्रकाश जी रंका जी है, अचल जैन जी है, प्रवीण चोरबोले जी है, अरविंद जी जैन है, बहुत सारे लोग है, मेरे सारे सहकारी है जिनके कारण ये सारा कार्यक्रम सक्सेस होता है. मैं सबके नाम लेना चाहता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ शोभाताई के मार्गदर्शन में, अरविंद जैन साहब के मार्गदर्शन में, जितेंद्र शाह, चकोर गांधी, सुदीन घोष, अजित पाटिल, उत्कर्ष गांधी, देवेंद्र बाकलीवाल, बहुत सारे संजीव नाईक, सारी महिलाएं हैं, इन लोगों के एक महीना लगातार दिन रात मेहनत के कारण ये सारा हो रहा है. ये कोई अकेले का काम नहीं रहता है. इसलिए मैं तहे दिल से आप सब लोगों का, और आप सब लोग हमारे आवाज की सुन के आप यहाँ पधार रहे हैं, इतना बारिश के होते हुए भी आप सब लोग इतने उत्साह से ये प्रोसेशन में सम्मिलित हुए, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ. और इसके बाद मैं सारे चीफ गेस्ट लोगों को विनती करता हूँ कि ये कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करें, और दीप प्रज्वलन के लिए मैं सबको आमंत्रित करता हूँ. हाथ जोड़े नमन करते आए, तेरी शरणों में शीश झुकाए. हाथ जोड़े नमन करते आए, तेरी शरणों में शीश झुकाए. तेरा दर्शन बड़ा सुखदाई, मन में आशा की ज्योत जलाए. मन जीवन किया तुझ पे अर्पण, मेरी आंखों में है तेरा दर्पण. शाम सवेरे होठों पे पुलक गुरुवर तेरा नाम. दीवाना तेरा हो गया खुलेआम. स्वीकारो गुरु राकेश का प्रणाम. दीवाना तेरा हो गया खुलेआम. स्वीकारो गुरु राकेश का प्रणाम. मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंदकुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम. आज का दिन महाराष्ट्र के इस ज्ञान भूमि, विद्यानगरी, पुण्य नगरी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है. आज दिन भर सुबह से लेकर अभी तक आकाश में से वर्षा संतत धार कर रही है. इसका प्रतीक है कि इस पुण्य नगरी में भारत गौरव परम पूज्य श्री पुलक सागर जी महाराज, इनका ज्ञान गंगा बहने वाला है इस पुण्य नगरी में, इसका आज प्रारंभ हो रहा है. इस चातुर्मास में जो ज्ञान गंगा बहने वाली है, इसका पुण्यशाली अवसर परम पूज्य महाराज जी के अनुमति से वो पुणे पधारे, आज यहां विराजमान है.
लेकिन ये जो महोत्सव है, महोत्सव के लिए जिन्होंने अपार कष्ट किया, एक संकल्प बना लिया, एक स्वप्न देखा कि महाराष्ट्र में नहीं, देश में नहीं, दुनिया में एक ऐसा चातुर्मास हो जो दुनिया के लिए कुछ आदर्श बने। यहां जो ज्ञान गंगा बहने वाली है, ये जो सकल जैन समाज है, पुणे और पुणे परिसर का जो जैन समाज है, ये सभी आयोजन के जो अध्यक्षता कर रही है वो हम सभी की आदर्श गृहिणी श्राविका श्रीमती शोभाताई रसिकलाल जी धारीवाल, जिन्होंने खंडे पर आज तक इस पुण्य नगरी ने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम दिए। ऐसे हमारे मित्र श्री मिलिंद जी फड़े यहाँ उपस्थित हुए, हमारे अरविंद जी जैन, चकोर जी गांधी, अजीत जी पाटिल, ओम प्रकाश जी राका, अचल जी, और इस मंच पर बैठे हुए सभी भाई और बहनों, सुजाता जी, यहाँ आप सभी को, सभी का अभिनंदन हम कर रहे हैं। एक ही बात मैं आपको बता रहा हूं, आज का दिन ऐतिहासिक है। ये इसलिए है, आचार्यों ने बता दिया है, यत्र वीरो दिगंबरो, जहां दिगंबर मुनि हैं वहां श्री भी है, यानी कि संपत्ति भी है और ज्ञान भी है। इस मंच पे संपत्ति और श्री के लक्ष्मी पुत्र भी है और ज्ञान के पुत्र भी है। जैन मुनि, विशेषता जैन दिगंबर मुनि, ये जो भारतवर्ष त्याग के लिए प्रसिद्ध है, संयम के लिए प्रसिद्ध है, तप के लिए प्रसिद्ध है, इस देश को संयम का, तप का और त्याग का किसी ने संदेश दिया है तो इस दिगंबर मुनियों ने दिया है। आचार्य श्री वर्णन करते हैं कि दिगंबर मुनि, उनका वर्णन, वो कल्प वृक्ष के समान रहते हैं। सम्यक दर्शन मूलम चारित्र शाखाक्रम मुनिगण विहंगाचार्यम महाद्रुमम वंदे, मुनि महाद्रुमम वंदे। मैं आपके सभी इस ऐतिहासिक महोत्सव में, इस पुण्य नगरी के महापौर आदरणीय श्री मुक्ताताई तिलक यहां उपस्थित हो रहे हैं, महाराज जी को वंदन कर रही हैं। हम सभी का भाग्य है कि पुण्य नगरी का प्रथम नागरिक होने के वास्ते मुक्ता जी तिलक यहां उपस्थित है, महाराज जी को वो श्रीफल अर्पण कर रही हैं, और इस समारंभ की जो ऐतिहासिकता है वो बढ़ा रही है। श्री मुक्ता जी तिलक, जिन्होंने इस पुण्य नगरी में एक अपने कर्तृत्व की, एक बहुत बड़ी पुरुषार्थ की, बहुत बड़ी राजनीति की, बहुत बड़ी यहां से स्वतंत्रता का घोष हुआ, उनकी वारसा लेकर, उनकी परंपरा लेकर भारतीय राजनीति में काम करने वाली श्री मुक्ता जी तिलक यहां उपस्थित हैं, और वो महाराज जी को वंदना करके, श्रीफल अर्पण करके यहां मंच पर विराजमान हो रही है। यहां एक छात्र छायाचित्र निकाला जा रहा है मुक्ता जी के साथ, शोभाताई धारीवाल, मिलिंद जी पड़े हैं, और हमारे इस समिति के सदस्य, इसे एक छायाचित्र लेने का कार्यक्रम चल रहा है। इन सभी को मैं धन्यवाद दे रहा हूं। श्री मिलिंद जी फड़े महाराज जी के साथ इस ऐतिहासिक महोत्सव का छायाचित्र लेने का कार्यक्रम प्रोग्राम में मंच पर शुरू है। इन सभी को मैं धन्यवाद दे रहा हूं, और यहां बात चल रही है, एक अवसर है दिगंबर परंपरा के, जो हमारे आचार्य रहते हैं, साधु रहते हैं, मुनि रहते हैं, वो दिगंबर अवस्था में रहते हैं तो वह कल्प वृक्ष के समान रहते हैं। मुझे आज बहुत हर्ष हो रहा है
सम्यक दर्शन इस कल्प वृक्ष का मूल है, चारित्र इसका शाखाएं हैं, मुनिगण व्यंगम ये उसकी शाखाएं हैं। तो मैं ज्यादा बात करते नहीं करते हुए मैं एक ही प्रसंग आपको बता रहा हूं कि परम पूज्य श्री पुलक सागर जी महाराज, इनके दीक्षा गुरु पुष्पदंत सागर जी महाराज है, उनका चातुर्मास और बिहार चेन्नई में हो रहा है। आज मैं आपको बता रहा हूं इस देश में ही नहीं दुनिया में भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव के बाद पहली बार चार ही श्रमणों के, चार ही संप्रदाय के, चार ही आचार्य संप्रदाय के प्रमुख चेन्नई में इकट्ठा आए और जैन एकता का एक अनोखा दर्शन का उदाहरण वहां प्रस्तापित हुआ दो दिन के पहले। आज यहां पुलक सागर जी महाराज उनके शिष्य एक दूसरा अनोखा इतिहास निर्माण कर रहे हैं कि इस पुण्य नगरी में चार ही संप्रदाय के लोग ही नहीं, यहाँ तेजिता ही उपस्थित है, इस पुण्य नगरी के सभी जन जन का यह आंदोलन चल रहा है, ज्ञान का आंदोलन, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन है। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने इस देश में जो दिगंबर परंपरा खत्म हो चुकी थी उसका पुनर्जीवन किया, दिगंबर परंपरा उन्होंने लोगों के सामने लाया। शोलापुर में 1927 में उनका चातुर्मास हुआ, तब गुरुदेव समंत भद्र महाराज अपने क्षुल्लक अवस्था में थे, तब उन्होंने उनका जो परिचय दिया उस परिचय में दिगंबर मुनि कैसे होते हैं इसका उदाहरण उन्होंने दिया। ये लास्ट चल रहा है, वो देहे निर्ममता गुरोर विनयता नित्यम श्रुताभ्यस्तता चारित्रो उज्ज्वलता मोहोपशमता संसार निर्वेगता अंतर्बाह्य परिग्रह त्यजनता धर्मज्ञता साधुता साधो साधु चारित्र उत्तमम इदम संसार विच्छेदकम। तो ये दिगंबर मुनि का लक्षण है। मैं परम पूज्य भारत गौरव पुलक सागर जी में दिगंबर मुनियों के सभी लक्षण पा रहा हूं, इसके लिए इस युग में दिगंबर मुनि का दर्शन इस पुण्य नगरी में हो रहा है, ये बहुत बड़ा भाग्य हम महाराष्ट्रवासी और दक्षिणवासी हम समझ रहे हैं। यहाँ फिर एक बार आपका महाराष्ट्र की ओर से, दक्षिण भारत की ओर से परम पूज्य महाराज जी का स्वागत करते हुए हमारे मिलिंद जी फड़े, इन्होंने जो योग ये सपना देखा है, ये सपना पूरा हो इसके लिए पुण्य नगरी का सहयोग मिलेगा ही, लेकिन ये संदेश पूरे विश्व में फैलेगा जो महाराज अगले 3-3.5 महीनों में यहाँ देंगे। तो मैं इन सभी को सकल जैन वर्षा योग समिति को धन्यवाद देते हुए, महाराज को बार बार नमस्कार करते हुए मैं यहाँ कहता हूँ धन्यवाद। इसके बाद मैं मुख्तार पुणे के अपनी मेयर मुख्तार भाई तिलक इनसे विनती करता हूँ कि वो अपने दो शब्द बोल पाए। समाज के आप सभी भाई बहन अपने गुरुजी का प्रवचन, गुरुजी से हम जैसे कहते हैं कि संस्कार क्षम ये सब वातावरण में हम सब लोग बैठे हैं और उन्होंने ये मुझे भारत गौरव का ये किताब दी है। मैं आपसे गुरुजी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कल लोकमान्य तिलक जी की जयंती है और भारत गौरव ये जो आपने किताब मुझे दी है, मुझे लगता है कि ये तिलक जी का गौरव है, क्योंकि तिलक जी का नाम भारत गौरव के बिना कभी भी खत्म नहीं होता। यहाँ मैं शोभा ताई धारीवाल और फड़े जी और उनके सभी जो सहयोगी है उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में उन्होंने सम्मिलित किया, धन्यवाद। त्यानंतर मी शोभाताई जी, अरविंद जैन, उनकी मिसेस निधि जी जैन, इनको विनती करता हूं कि महाराज जी का पाठ प्रक्षालन उनको करना है।
माननीय श्री मुक्ता जी के लेकिन उचित नहीं है। अभी हम सब लोग तो पूना में है, महाराज जी पूना में पधारे हैं, तो उनको हमको सुनना है। मैं महाराज जी के हम पे बहुत बहुत उपकार है कि उन्होंने पूना का चातुर्मास स्वीकार किया, यहाँ पधारे। और मैं आप सभी को अपील करूंगी कि ये चातुर्मास अपना ऐसे भव्य दिव्य हो जाए और हम इतने उनके अच्छे विचारों को आचरण में लाने का प्रयत्न करें रोज के रोज। यहाँ खाली हम प्रवचन ही नहीं होंगे, इसके साथ में हमने बहुत अच्छे अच्छे आयोजन किए समाज कार्य के, जो महाराज जी के सूचना से है। रक्तदान होगा सैटरडे संडे, रक्तदान की गाड़ी अरविंद धारीवाल फाउंडेशन की है, उसमें 250 से 300 रक्तदान इकट्ठा होगा, बैग्स कलेक्ट होगी, वृक्षारोपण होगा, कैंसर के प्रति अवेयरनेस करने के लिए लेडीज का चेकअप होगा। ऐसे तो बहुत है, मैं अभी टाइम लेना उचित नहीं समझती, महाराज जी को हमें सुनना है। धन्यवाद। आप चातुर्मास में बहुत अच्छी तरह से सहयोगी होना है, धन्यवाद। मैं मेयर साहब का भी धन्यवाद देती हूँ और आप सभी को धन्यवाद नहीं दूंगी, क्योंकि हमको साहेब जी से लेना है, तो साहेब जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धर्म प्रेमी भाई और बहनों, संपूर्ण भारत में आज संतों के चतुर्मास हो रहे हैं। लाखों नगरों में केवल 700-800 संतों को चतुर्मास करना है और हमें गर्व और गौरव है कि पुणे नगरी को यह अवसर मिला है कि परम पूज्य मनुष्य को लगता है हमारे यहाँ चतुर्मास कर रहे हैं। भाई और बहनों, अपने नगरों में तो सभी प्रवेश कराया करते हैं, लेकिन पूना नगर वासी उन्होंने तो खुद नगरी बनाकर यहाँ प्रवेश कराया है और शोभाशाली चातुर्मास की शोभा बनकर भक्ति रसिक होकर माणिक मोती लुटाते हुए भारत गौरव को लेकर आई हैं। ये हमारे लिए तो पूना नगरी एक हाईटेक और शासन ने एक स्मार्ट सिटी के रूप में विख्यात करने जा रही है। भाई और बहनों, हम तो एक हाईटेक और स्मार्ट संत को ले आए हैं और इस पूना नगरी के चतुर्मास को विश्व में प्रसिद्ध कर देंगे, ऐसा हमें विश्वास है। जिस संत को हम यहाँ लाए हैं और यहाँ आए हैं, ये भक्ति वर्षों से गुरुदेव के चरणों में झुकी हुई है। आस्था और विश्वास का कलश वर्षों पहले मिलिंद फड़े सबको लेकर गए थे और चढ़ा दिया था, आज उसका अमृत फल हमें देखने को मिला है। आज ये सुअवसर हमें बहुत वर्षों की साधना के बाद मिला है। जो गुरु हमारे बीच आए हैं, जो भारत गौरव हैं, ये इनका एक विशेषण या महज एक उपाधि देकर किसी ने स्वयं को धन्य नहीं किया है। पूरे भारत में वो कार्य गुरुवर ने किए हैं। जन्म से ही जब गोपी बाई के गर्भ में ही आए और जब से जन्म लिया और रस बहा पूरे नगर में, अगर देना पड़ा था उस रस को नाम तो तब भी पारस देना पड़ा था और इनकी भक्ति को तब भी पारसमय बना दिया था। तो भाई और बहनों, आज पूरे विश्व में एक संत है जिन्होंने पूरी महिला शक्ति को जागृत किया है, पूरी युवा शक्ति को एक ऐसा संस्कारित मंच दिया है कि आज पूरे समाज में सबसे बड़ी अगर संस्था कोई है तो महिला जागृति मंच है, अगर कोई मंच है तो पुलक युवा मंच है। सबसे अधिक अनुशासित, सबसे अधिक सुगठित और सबसे अधिक सक्रिय यदि मंच चल रहा है तो ये दोनों ही मंच चल रहे हैं और इसका केवल एक ही कारण है, पुलक सागर जी का आशीर्वाद, उनका चिंतन, उनकी शिष्टता और उनकी युधिष्ठता। तो आज इनके चरणों में मुक्ता ताई आई है, यही परंपरा रही है गुरुदेव के चरणों में जहां भी रहे। दिल्ली में तो मैंने देखा है पूरा ही शासन अपनी पूरे मंत्रियों सहित गुरुदेव के चरणों में झुका था और जब भारत गौरव मिला था उस पल की भी मैं साक्षी हूँ। वो पल मैंने देखा था, पूरे भारत ने गर्व किया था जब एक संत को भारत गौरव मिला था। तो भाइयों और बहनों, आज हम ले तो आए हैं, नगर में प्रवेश तो करा दिया है, लेकिन हमारी भक्ति तभी सार्थक होगी कि जब गुरुदेव के हृदय में हम प्रवेश कर जाएं और गुरुदेव कहें कि ऐसा चतुर्मास मैंने नहीं। अब हमारी भक्ति अंदर रहने की नहीं रही, अब हमारी भक्ति को दिल
से निकल के प्रदर्शन का विषय बन जाना चाहिए। हमें दिखा देना चाहिए कि हम नगर बसाना ही नहीं जानते, नगरवासी एक एक घर में गुरुदेव का प्रवेश कराने के लिए लालायित हैं और एक एक घर में गुरुदेव का प्रवेश होगा। आज हमारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए। भाई और बहनों, ये वो संत हैं। एक गंगा निकलती है जब यमुना में मिलती है तो वो प्रयाग बन जाता है, वो संगम बन जाता है, अधिक प्रणम्य अधिक पूज्य बन जाता है। ये भी वही संत हैं जिन्होंने अपनी शारीरिक असमर्थता को चुनौती देकर महाव्रत अंगीकार किए थे और विद्या सागर जी ने और पुष्पदन सागर जी ने दोनों में ही अपने आशीर्वाद की धारा बनाकर इनको संगम बना दिया। और आज पुलक सागर महाराज देश के एक ऐसे चिंतक, एक ऐसे मनीषी संत आए कि अगर तीर्थ बनाते हैं तो जिन शरण ही बनाते हैं, इसके अतिरिक्त कोई नाम ही नहीं। तो आज देश का इतिहास रचने वाले, हम सबके भाग्य जगाने वाले गुरुदेव के चरणों में हम नमन करते हैं। और इसी प्रकार ये भक्ति रंग लाएंगे। और अभी मिलिंद जी कह रहे थे तो जैसे पूना नगरी विश्व के पटल पर आज प्रसिद्ध है, तो देख लेना अगर हमारा यही उत्साह और उमंग बढ़ती रही तो विश्व पटल पर इस चतुर्मास को भी चमका देंगे, दमका देंगे, दिखा देंगे कि गुरु को लाना नहीं जानते, गुरु की भक्ति करना भी जानते हैं और चतुर्मास कराना भी जानते हैं। भाई और बहनों, बस यही कहूंगी कि जो करते हैं गुरु की भक्ति पागलों की तरह, जो करते हैं गुरु की भक्ति पागलों की तरह, कृपा भी उन पर बरसती है बादलों की तरह, कृपा भी उन पर बरसती है बादलों की तरह। तो भाइयों बहनों, मैं अपने गुरुवर के चरणों में 20 वर्षों से हूँ, हर वर्ष उनका चंद्रमा से ऐतिहासिक बनता है। वो गुरुदेव ऐसे हैं कि न जाने कितने गौतम गण पर और कितने श्रेणी लाइन में लगेंगे, मुझे विश्वास है न जाने कितने नए चेहरे के चरणों में आते हैं। नमन करती हूँ और गुरुदेव से आशीर्वाद पूरी पुण्य नगरी के लिए। अवसर तुम्हें मिला है, तुम मुझे मिल गए, मैं तुम्हें मिल गया, लेकिन हम दोनों को जिसने मिलाया उन्हें भूला नहीं जा सकता है। उनका स्वागत सत्कार था लेकिन समय की अपनी कमी। मैं चाहता हूं कि संत अपनी जुबान से जिसका नाम ले ले उससे बड़ा सम्मान दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। जो मुझे 300 किलोमीटर पैदल लेकर के आए हैं उनको एक बार मैं खड़ा करके आशीर्वाद देना चाहता हूं, फिर अपनी बात बोलूंगा।
क्योंकि आंधियों में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है और बुरे समय में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं है। ऐसे वह विनीत कुमार मेरे साथ चले, खड़े हो जाएं अपने स्थान पर जिसका मैं नाम ले रहा हूं। लोकेश जैन बांसवाड़ा राजस्थान से, मनोज जी जैन आपकी पूना से ही है, भूपत जी, रमेश भाई, विमल जी, सुनील जी, अंकित जैन ग्वालियर, नितिन जैन सैंडी ग्वालियर, सोना जैन मथुरा उत्तर प्रदेश से मेरे साथ चले हैं, नरेंद्र कुमार जैन ये ग्वालियर से हमारे साथ 300 किलोमीटर की यात्रा ये लोग कर रहे हैं पैदल, पुष्पेंद्र जी, रामजी भाई, बीरू, अजीत जैन, आशीष जैन इंदौर और सजल जैन और वैभव जैन जो इंदौर से, अजीत जैन जो ग्वालियर से हमारे साथ पद यात्रा। ये वो लोग हैं जिन्हें अपने छालों की चिंता नहीं थी, गुरु के चरण दबाना इनकी भक्ति थी, इनका समर्पण था। अपनी थकान कितने भी थक जाएं चलते हुए, इन्होंने अपनी थकान की परवाह नहीं की, लेकिन सोने से पहले मेरे सेवा जरूर की है। और जिन्होंने इस पूरे बिहार में श्रीमती सुषमा जी जैन जो मुंबई से, श्रीमती कुसुम जी जैन जो मथुरा से, और हमारे बीच जिन्होंने दैहिक जीवन को इस दुनिया में लाई, मेरे गृहस्थ जीवन की माता गोपीबाई जैन, उन्होंने बचपन में भी मुझे खिलाया और अभी तक मुझे अपने हाथों से खिला रहे हैं। ये सब बहुत बहुत आशीर्वाद की बात है। आशीर्वाद देता हूं कि हकीकत में देखा जाए तो हम अपने पुण्य का फल इनके दम पे प्राप्त करते हैं। जोरदार करतल भानी से इनका स्वागत करेंगे। हमने अपनी बात किया, सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चाभावेन प्रमदित्मना दर्दरिह क्षणादासी स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्वक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की। थोड़ा जोर से आवाज लगाओ, भोजन मिलेगा। ऋषभदेव भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज की। पुणे में आया हूं, बहुत कुछ सुन रखा था पुणे के बारे में। आज देख भी लिया, गजब का नजारा। पानी है तो वह कह रहा था मैं किसी से कम नहीं, और प्यास है तो वो कह रही थी मैं किसी से कम नहीं। हम अंदर आए, पानी थम गया।
मिलिंद जी फड़े ने बहुत मेहनत की है, जितेंद्र जी शाह, सुदीप भाई, वीर कुमार जी, अजित जी पाटिल, रात दिन एक किए हैं आज इस कार्यक्रम के लिए। और मैं देख रहा था कि बोलते बोलते उनका गला भर रहा था। वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि महाराज यदि पूना में चतुर्मास होगा, पूना में आपको लाऊंगा, पूना में आपके कार्यक्रम होंगे, छोटे काम हम करते नहीं, करेंगे तो बड़े काम करेंगे। मैंने कहा मिलिंद जी तुम छोटे नहीं करते तो हम भी कोई छोटे मोटे नहीं है, हम भी करते हैं तो बड़े करते हैं। उन्होंने एक बात बोली कि मुनिश्री मैं चाहता हूं कि ये पूना का चतुर्मास दिगंबरों का चतुर्मास नहीं, सकल जैन समाज का चतुर्मास हो और सकल जैन समाज का नहीं जन जन का चतुर्मास हो। ये उन्होंने भावना रखी और एक शब्द लेकर मेरे पास आए कि गुरुदेव मैं चाहता हूं कि हमारे चतुर्मास की अध्यक्षा, बोल दो धीरे बोल रहे हो, शोभा ताई बने। सोच बड़ी है, विचार बड़े हैं, चिंतन बड़े हैं, ये दुबली पतली सी काया देखने में मिलिंद पड़े बहुत तेज है भाई। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, जहां भी चातुर्मास करूं तो 50% काम मुझे करना पड़ता है, यहां मुझे सब रेडीमेड मिला। उन्होंने कहा कि उन्हें अध्यक्ष बनाना चाहता हूं, आप आदेश दें, आप आज्ञा दें, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आपकी सहमति हो इनका बुलाइए। और आज वो इस कार्यक्रम की गरिमामय अध्यक्ष पद को स्वीकार करके उन्होंने पूरे देश के लिए समाज की एकता का संदेश प्रदान किया। और जैसे ही मिलिंद जी फड़े ने कहा, मैंने कहा तुरंत हाँ इनका बनाइए। बोले क्यों? इनका ऊंचे लोग समझ गए क्या? ऊंची पसंद आगे माणिक चंद। ऊंचे लोग तो ऊंची पसंद विचार। अरविंद जी जैन जो कभी मुझसे मिले नहीं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ऐसे मिलेंगे कि कभी ऐसा नहीं होगा कि अब पिछड़ेंगे, क्योंकि तो ये जहां के वही के हम हैं और हम लोग जहां पहुंच जाएं वहां तहलका मच जाया करता है। मानी बस सबके बारे में बोलना तो समय समय पर बोलूंगा। मैं आया पूना में क्यों आया? एक साल से प्रयास चल रहा है, पिछला चातुर्मास बारामती हुआ था और बारामती का चातुर्मास भी भुलाया नहीं जा सकता है, जिसने हमारे अंदर महाराष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत किया है। लेकिन मैं पूना क्यों आया? यहां तो सब कुछ है, क्या नहीं है? अभी अभी आया राका ज्वेलर्स, ओम प्रकाश जी देखा है गजब। मैं पूना में इसलिए नहीं आया हूं कि पूना में लक्ष्मी की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, बहुत लक्ष्मी है, प्रदेश में ही पता पड़ गया, लक्ष्मी की कोई जरूरत नहीं। पूना में सरस्वती की जरूरत है, नहीं है, पूना में बहुत ताकत है कि पूना में शिक्षा और सरस्वती का सबसे बड़ा केंद्र हिंदुस्तान में है तो वह पूना नगरी है। सारे देश में शिक्षा को लेकर सारी दुनिया के लोग इस पूना में आते, सरस्वती की जरूरत नहीं है पूना में, ध्यान रखिए। मैंने महसूस किया यदि कोई पढ़ता है तो बिल्कुल हाईटेक जीवन जीने लगता है, और कोई मंद स्वरों में गाता है तो लता मंगेशकर बनकर के खड़ी हो जाया करती है। ऐसी सरस्वती की कृपा इस पूना नगरी को प्राप्त। शौर्य की जरूरत नहीं है,
कि कहीं कोई शिवाजी खड़े हो जाते हैं तो पूरे देश में शौर्य के देवता के रूप में जो जाने जाते हैं वह महाराष्ट्र की देन है। मान्यवर, ये पुणे नगरी वो नगरी है, स्वाभिमान की बात आ जाए तो लोकमान्य तिलक और रानी लक्ष्मीबाई जैसी नारियां यहां पर खड़ी हो जाया करती हैं। ये पुणे, पुणे के पास सब कुछ है, फिर मैं आया क्यों हूं यहां? ध्यान रखिए, लक्ष्मी है, सरस्वती है, शौर्य है, स्वाभिमान है, सब कुछ तो यहां पर है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य देखोगे तो संत ज्ञानेश्वर और टुकड़ो जी महाराज यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य की धारा सारे देश को देकर के चले जाया करते हैं। बहुत कुछ है यहाँ, कभी कुछ नहीं है। आचार्य शांति सागर महाराज के पावन चरणों से ये महाराष्ट्र की भूमि धन्य हुई है, ये पूना की भूमि धन्यता को प्राप्त किया करती है। ऐसा ये पूना शहर, इसका व्याख्यान तो जब जब समय समय पर होता रहेगा, लेकिन मैं एक मंदिर में गया। जब पिछली बार मैं पुणे आया था कोई कार्यक्रम नहीं था, निकल रहा था बारामती से आना और बारामती से जाना, दो तीन दिन रुका था, एक मंदिर में गया। एक 5 साल का बच्चा भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ा है। उस 5 साल के बच्चे को मैंने देखा, उसके कोमल कोमल से गाल आंसुओं से भीग रहे थे, तन पर मैले कपड़े पहना हुआ है, न जाने किन बातों को लेकर वो भगवान से बातें कर रहा है। भगवान के सामने हाथ जोड़े हुए, उसकी अनजान सी बातें भगवान की मूर्ति से हो रही थी। मैं पास में गया, मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा कि बेटा जरा ये तो बता कि तूने भगवान से क्या मांगा है। एक छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा भगवान से इस तरह बातें कर रहा था। मैंने कहा कि बोल, तूने भगवान से क्या मांगा है? उसने कहा कि महाराज, मेरे पिता अब इस धरती पर नहीं रहे हैं, वो इस दुनिया से विदा हो चुके हैं, मैंने उन पिता के लिए भगवान से स्वर्ग मांगा है। 5 साल का बच्चा कहता है, मेरे पिता के लिए स्वर्ग मांगा है, मेरी माँ रात दिन रोती है, मैंने उसके लिए भगवान से सब्र मांगा है, मैंने उसके लिए भगवान से हिम्मत मांगी है, मेरी बहन मेरी माँ से कपड़े मांगती है, मैंने अपनी माँ से बहन के कपड़ों के लिए भगवान से पैसे मांगे हैं महाराज। मैंने कहा बेटा और क्या मांगा? और मैंने कुछ नहीं मांगा। मैंने कहा तुम स्कूल जाते हो, कौन सी क्लास पढ़ते हो? बच्चे ने कहा महाराज मैं स्कूल तो जाता हूं लेकिन पढ़ता नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे सुनकर कि स्कूल जाता है और पढ़ता नहीं है। बोले मेरी माँ जो चने उबाल देती है उन्हें स्कूल के दरवाजे पर बेचता हूं, और जो पढ़ते लिखते हैं उनकी भूख मिटाता हूं, ये मेरा काम है, ये मेरा धंधा है, मैं स्कूल की पढ़ाई नहीं किया करता हूं। मैंने कहा तुम्हारे कोई रिश्तेदार है? बोले मेरी माँ कहती है कि गरीबों का कोई भी रिश्तेदार नहीं हुआ करता है। उसकी बातें मेरे रूह में उतर रही थी, मेरे अंतस को स्पर्श कर रही थी कि गरीबों का कोई रिश्तेदार नहीं होता है। मैंने कहा बेटा यदि मैं तुम्हारे पैसों की व्यवस्था कराऊं तो क्या तुम पढ़ना चाहोगे? यदि मैं कहीं से व्यवस्था कर दूं कि तुम शिक्षा प्राप्त करो तो क्या तुम पढ़ना चाहोगे? उस बच्चे ने कहा महाराज मैं सब कुछ करना चाहूंगा। इनका एक कैसा बच्चा है जो कहता है कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा? बोले इसलिए महाराज कि पढ़े लिखे लोग आज तक मुझ गरीब का हाल पूछने नहीं आए, इसलिए मैं पढ़ाई करना नहीं चाहता हूं। कोई पढ़ाई का मुझे पूछने नहीं आता है, और महाराज पास से लोग गुजर जाते हैं, मेरी तरफ कोई नजरें उठाकर भी देखता नहीं है। जब से पिताजी दुनिया से गए हैं, जो हमें पहले जानते थे
बदल गया जमाना, बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा कि महाराज, इस पिता के मरने के बाद अपने भी अजनबी हो जाया करते हैं, अपना कोई नहीं रहता इस दुनिया में। उस बच्चे की बात सुनकर मेरी अंतस उस बात ने झकझोर दिया। मैंने कहा पूना जैसा शहर जहां शिक्षा मिला करती है, जहां अध्ययन हुआ करता है, बड़ी ऊंचे दर्जे की पढ़ाई होती है, वहां ये बच्चा कहता है कि मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं मान्यवर। उस दिन से मैंने सोचा कि कुछ हो या ना हो, पूना में मेरा चौमासा जरूर बना जाए। मान्यवर मैं इतनी कहना चाहता हूं, बातें तो बहुत हैं लेकिन वक्त पर करूंगा। इतना ही कहना चाहता हूं कि कागजी शिक्षा से जीवन धन्य नहीं हुआ करता है। हम लोगों की भावनाओं को पढ़ने का प्रयास करें, लोगों की जरूरतों को पढ़ने का प्रयास करें और इंसान के हृदय में पहुंचने का प्रयास करें। वरना ये ऊंची ऊंची शिक्षाएं बड़ी बड़ी डिग्रियां तो हमें प्रदान कर देंगी। एक बात याद रखना, पूना शहर में जहां देखा वहां मैंने, बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, नजरें उठाओ तो बिल्डिंग देखते ही रह जाओगे, लेकिन मैं सोचता हूं कि सड़कें चौड़ी करने से जीवन महान नहीं होता है। अरे चौड़ी चौड़ी सड़कें हमने बना ली लेकिन दिल वाला छोटा कर लिया है, इमारतें ऊंची ऊंची कर ली लेकिन आदमियत हमारे जीवन से गिरती जा रही है। तो मैं यदि पूना में आया हूं तो आज पहला दिन है, यही संदेश मैं दे रहा हूं आपको, इंसान को इंसान की पहचान देने आया हूं, टूटे हुए दिलों को अरमान देने आया हूं। और मेरे पास कुछ नहीं है पूना वालों, मैं कांपते अधरों को मुस्कान देने आया हूं, बस कांपते अधरों को मुस्कान देने। मुस्कान छीननी है आदमी की, उसकी बहुत जरूरत है इस देश को। धर्मात्मा बहुत है, धर्म भी हो रहा है, मंदिर भी बड़े बड़े बन रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि घड़ों से भगवान का अभिषेक करने वाले लोग, कोई दरवाजे पर प्यासा आ जाए तो हमारे दरवाजे बंद हो जाया करते हैं, थाली भर भर के सामग्री चढ़ाने वाले लोग, किसी भूखे की थाली में एक वक्त की रोटी जरूर दिया करो। बस यही संदेश लेकर के मैं तुम्हारे आया हूं। ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान है हम। बस इंसानियत का पाठ पढ़ाऊंगा, ना मैं तुम्हें दिगंबरत का पाठ पढ़ाऊंगा, ना श्वेतांबर का पढ़ाऊंगा, ना हिंदू का, ना मुसलमान का। मेरी सभा तो इंसानों की सभा होगी, जहां इंसानियत का पाठ आपको सिखाया जाएगा, इंसानियत का संदेश दिया जाएगा, उसकी बहुत जरूरत है। ध्यान रखना, हम हिंदू बाद में है, मुसलमान बाद में है, उससे पहले हम एक इंसान है, ये हमें याद रखना चाहिए। इंसानियत हमारे पास होना चाहिए। बस चार महीने इंसानियत बांटूंगा, बस मुझसे बड़ी बड़ी गाथाएं पूछने मत आना, पूछना हो एक नंबर। अभी संचालन कर रहे थे, सारी गाथाएं उनसे पूछ लेना, टीकाएं पूछ लेना, थोड़ा और पूछना है तो नीलम से पूछ लेना, चलेगा। मैं केवल मानवता की बातें करूंगा, मेरे पास ज्यादा तो कुछ है नहीं। ये भी मैं नहीं कहूंगा कि मैं पूना को बदल के रख दूंगा, इतनी ताकत मुझ में नहीं है। महावीर स्वामी आए वो नहीं बदल पाए, ऋषभ देव आए वो नहीं बदल पाए, राम आए वो नहीं बदल पाए, कृष्ण आए वो नहीं बदल पाए, मेरी क्या औकात कि मैं तुम्हें बदल दूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, यदि तुम बदलना चाहोगे, मैं बदलने का प्रयास आपको जरूर करूंगा। प्रयास तो आपको ही करना पड़ेगा, पहला कदम आपको ही बढ़ाना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, एक ही निवेदन है मेरा आपसे बड़ी विनम्रता के साथ, मैं आया हूं पूना में, मैं नया हूं, किसी के एड्रेस मुझे नहीं मालूम, कि मैं घर घर जाके बुला लाऊ, मालूम हो जाएगा तो मैं बुला लाऊंगा। मुझे कोई ज्यादा VIP बनने की जरूरत नहीं है, न शौक है, लेकिन मुझे नहीं पता। आपसे एक ही निवेदन करूंगा, जब भी यहां से सभाएं शुरू हो, चातुर्मास का कोई अवसर आपको मिले या ना मिले, ज्ञान गंगा महोत्सव कभी आप छोड़ना नहीं, वो चातुर्मास की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मेरे महावीर जहां जाते थे
कहा जाता था कि शेर और गाय एक घाट पर आकर पानी पीने लगते थे। मेरे महावीर कहा जाते थे। सांप और नेवला एक साथ बैठ जाते थे, बैल विरोध छोड़ देते थे। इतनी ताकत मुझ में नहीं है भाई कि मैं शेर और गाय को एक घाट पर बिठा सकूं, लेकिन इतनी ताकत लेकर आया हूं, यदि मेरे प्रवचनों को आपने सुन लिया तो शेर और गाय को तो एक घाट पे नहीं बिठा पाऊंगा, लेकिन ये दो भाई भाई आपस में नहीं बोलते हैं तो एक थाली में भोजन कराने की ताकत में जरूर रखूंगा। तो परिवार यदि टूटा है तो उसे जोड़ने का प्रयास करूंगा। ध्यान रखिए, मेरे पास ज्यादा नहीं है, इतना सामर्थ मेरे पास नहीं है कि आकाश का सूरज उतार कर यहाँ लाके रख दूं। सूरज उतारने का सामर्थ मुझ में नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना पूना वालों, सूरज तो नहीं उतार पाऊंगा लेकिन एक चलता हुआ दिया तुम्हारे हाथों में जरूर रखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जो काम सूरज का होता है वही काम दिए का होता है। मेरे पास इतना सामर्थ नहीं है कि तुम पर पूरा सागर उड़ेल दूं, सागर तो नहीं उड़ेल पाऊंगा, एक छोटी सी गागर उड़ेलने का जरूर प्रयास करूंगा, क्योंकि जो प्यास सागर से बुझती है वही प्यास छोटी सी गागर से भी बुझ जाया करती है। काम वही है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आप आना कुछ होने के लिए, कुछ पाने के लिए, आपका जीवन बदलने का मैं प्रयास करूंगा, लेकिन एक ही मेरा निवेदन रहेगा आपसे कि जैसे इस सभा में आते हो जूते चप्पल बाहर उतारते हो, जूते चप्पल बाहर उतार देना अच्छी बात है, लेकिन जूते चप्पल उतारने के साथ साथ अपनी अकड़ भी उतार करके आना, अपना अहंकार उतार के आना, अपना बड़कपन उतार के आना, अपने तर्क उतार के आना। यदि आप पहले से भरे भराए आओगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा। चाय की प्याली यदि पहले से भरी हो तो उसमें और चाय डालना सबसे बड़ी मूर्खता की निशानी होती है, क्योंकि वो चाय पीने के काम नहीं फिर गिरने के काम आया करती है। इसलिए आपसे निवेदन है, खाली होकर आना, खाली स्लेट बनकर आना, जो कुछ भी आता है सब भूल जाना। और एक बात याद रखना, 4 महीने में पुलक सागर को पसंद बिल्कुल मत करना, कर भी लोगे तो मैं तुम्हारे किसी काम का इंसान नहीं हूं, ध्यान रखना। 4 महीने में मुझे पसंद मत करना, लेकिन 4 महीने मेरे विचार और मेरी बातों को पसंद करना, ये तुम्हारे बहुत काम आएंगी, पग पग पर काम आएंगी, जीवन के हर क्षण में काम आएगी। मेरे पास केवल बातें हैं और कुछ नहीं। तुम्हारे घर में कोई दिक्कत हो मैं आपकी कुछ नहीं कर सकता हूँ, ध्यान रखिए, लेकिन मेरी बातें तुम्हारे लिए बहुत बड़ा समाधान है। मैं छोटा सा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं। एक बार एक चाबी ने हथौड़े से कहा, हथौड़े और चाबी को मुलाकात हो गई। हथौड़े ने कहा चाबी से, ओ बहन एक बात तो बता दे, तुझे लोग बड़े संभाल के रखते हैं, इतने संभाल के रखते हैं कि पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय है। बूढ़े आदमी के हाथ से आप सब कुछ ले सकते हो, चाबी चाबी मिलना बड़ा मुश्किल काम है। चाबी को नहीं छोड़ते लोग, मरते दम तक चाबी संभाल के रखते हैं। लोग अपने जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण चाबी तुझे समझते हैं, लेकिन जरा एक बात तो बता दे बहन कि लोग तुझे क्यों संभालते हैं। और मैं हथौड़ा मेरा उपयोग करके एक कोने में मुझे फेंक दिया जाता है, एक तरफ डाल दिया जाता है, वजह क्या है? मेरी कोई इज्जत नहीं और तेरी बड़ी इज्जत होती है। चाबी ने कहा, हथौड़े भाई मुझे ज्यादा तो कुछ आता नहीं है, तू तो मेरे से वजन में 100 गुना ज्यादा है, मेरे पास तो उतना वजन भी नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहती हूं जहां तक मुझे समझ आती है कि हथौड़े भाई तुझे इसलिए बाहर फेंक दिया जाता है, कोने में रखा जाता है, मुझे संभाल के रखा जाता है कि तू हथौड़ा है ना, तू ताले का सिर फोड़ता है और जो सिर फोड़ता है तोड़ता है वो कोने में डाल दिया जाता है, और मैं छोटी सी ताली, मैं छोटी सी चाबी ताले का सिर नहीं फोड़ती हूँ, मैं धीरे से उसके हृदय में प्रवेश करती हूँ, और प्रवेश करके मैं फोड़ती नहीं तोड़ती नहीं मैं खोलने का प्रयास किया करती हूँ। तो पूना वालो, मैं वही छोटी सी चाबी हूँ, आप ये मत सोचो कि पूना में प्रवेश हो गया, पूना में प्रवेश एक दिन का है, तुमने बहुत अच्छे से करा दिया,
जैसा मैंने सोचा नहीं था वैसा करा लिया। मिलिंद जी फणे, तुमको 100 में से 100 नंबर दिए जाते हैं। बहुत अच्छा करा लिया प्रवेश, लेकिन एक आपकी ड्यूटी खत्म, मेरी ड्यूटी शुरू हो गई है। तुम्हारा तुमने तो बड़े जल्दी एक दिन में ढोल धमाके बजाए लेकर के आ गए महालक्ष्मी लॉन्स में, आपकी ड्यूटी खत्म। ध्यान रखिए, अब मेरी ड्यूटी, तुम्हें तो पूना में प्रवेश कराना था करा लिया, हमें तो दिल में प्रवेश करना है। 4 महीने का वक्त लगेगा तब मैं तुम्हारे अंतस में प्रवेश कर पाऊंगा, ध्यान रखिए। और जब तक दिल में प्रवेश नहीं करूं तब तक पूना से जाऊंगा नहीं, नहीं चला जाओ तो जरा धीरे ताली बजा। प्रवेश करूं दिल में नहीं, तालियों की गड़गड़ाहट से पता चलना चाहिए। यानी ऐसा लग रहा है कि तुम एक दिन में तो ये काम होने नहीं दो, 4 महीने लगेंगे। मान्यवर, इतनी ही है कि मैं कुछ नहीं दे सकता आपको, देना बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मेरे पास जो है बस उतना ही दे सकता हूं। और मैं क्या दे सकता हूं, जिसका जो होता है वो मुझसे ले लिया करता है। आप लेने का प्रयास करें, जो बात दवा से नहीं होती वो बात दुआ से होती है, जो बात दवा से नहीं होती वो बात दुआ से होती है। और तुम्हारे जैसे भक्त मिल जाएं तो बात खुदा से होती है। आप सबने जो सत्कार स्वागत किया है, अभी कह रहे थे कि पूना का चौमासा ऐतिहासिक हो, अभी तक जितने मेरे चतुर्मास हुए हैं वो राष्ट्र में हुए हैं, ये वाला जो हो रहा है राष्ट्र में भी महाराष्ट्र में हो रहा है, तो हल्का तो होने वाला नहीं है। ध्यान रखिए, राष्ट्र में महाराष्ट्र, ये केवल यही मिला करता है। मान्यवर, यही मेरा आपसे निवेदन है, पहुंचना है हमें आंसू, कांपते अधरों को मुस्कान देना है, सिसकती आंखों को किलकारियां देना है, उजड़ते हुए घरों को फिर से बसाना है, और घर बसे या ना बसे टूटे हुए दिल को फिर से मिलाना है। यही चातुर्मास का संदेश होना चाहिए। मैं आया हूं बुजुर्गों के लिए, मैं आया हूं बहुओं के लिए, मैं आया हूं बेटियों के लिए, मैं आया हूं नौनिहाल छोटे छोटे से बच्चों के लिए, मैं सभी के लिए आया हूं। तुम सब मेरे हो, मैं तुम सबका हूं, लेकिन इतना ही कहूंगा, आना मेरे दरवाजे पर, दरवाजा भी मेरा था वो भी इनका दिया हुआ है। मेरे पास क्या, दिगंबर संत के पास क्या होता है, अभी वक्ता बता रहे थे बड़ी बड़ी गाथाएं, मैं तो इतने कठिन नहीं बोल पाता हूं, नहीं बोलना चाहूं तो बोल लूंगा, कोई कठिन नहीं है, लेकिन मैं तो इतने ही कहता हूं कि दिगंबर संत का जो जीवन होता है, धरती बिछाना आकाश ओढ़ना, ये दिगंबर संत का जीवन होता है, और अंजलि भर लेना और तरिया भर लौटा देना, ये दिगंबर संत का जीवन होता है। करपात्री हूं, पदयात्री हूं, चलकर तुम्हारे यहां आया हूं, और बड़े संकल्प लेकर आया हूं, बड़े सपने लेकर आया हूं, बड़े अरमान लेकर आया हूं, उन अरमानों को हम सब मिल बैठ करके पूर्ण करेंगे। प्रथम नागरिक मुक्ता जी यहां पर पधारी हैं, उनका नमन यानी संपूर्ण पूना का नमन हो जाया करता है। और उन्होंने जिन धार्मिक आस्थाओं का परिचय दिया है कि संत आए और प्रथम नागरिक ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है, यह संस्कार उनके ही नहीं, उनके पूर्वजों के संस्कार उनके साथ हैं, यही तो विरासत होती है। आए हम भी कुछ ऐसे काम करें कि हमें देख करके लोग हम पर नहीं, हमारे पूर्वजों पर गर्व करना सीख जाएं। वह परंपरा का उन्होंने निर्वहन किया, आशीर्वाद उन्हें मैं प्रदान करता हूं। सभी बड़ी बड़ी हस्तियां यहां पर बैठी हैं, प्रयास तो मेरा ये रहेगा कि यहां बैठी वो यहां बैठ जाए, कोशिश करूंगा, नाकाम रहूंगा ये भी मालूम है, लेकिन बहुत कुछ इन सब ने किया है। डॉक्टर गंगवाल जिन्होंने अहिंसा के लिए बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में रहते हुए, और हमारे, अभी मैं नाम नहीं जानता हूं, बहुत जल्दी जान जाऊंगा,
लेकिन थोड़ा सा कठिन है, मुझे तो लोग बड़े जल्दी जान जाते हैं, तुम्हें पहचानना बहुत कठिन काम है। और यहाँ पर सभी बैठी हुई हैं, चकोर जी गांधी, उनके साथ चलो, उनसे बातें करो, तो लगता है किसी सरस्वती पुत्र से हम बातें कर रहे हैं। और एक अजीब सी अनुभूतियां अपने जीवन में होती हैं। बिलिन जी फड़े को फिर से आशीर्वाद में दूंगा कि इस कार्यक्रम की सफलता, देखो आज मेरा कोई रोल नहीं है ना, मेरा रोल तो चतुर्मास के बाद होगा कितना सफल हुआ नहीं हुआ। आज के कार्यक्रम की सफलता इस टीम ने जो की है, मिलिंद मेरे पूरे चतुर्मास का सारथी रहेगा, रथ को आगे लेकर के जाएगा। और शोभा ताई तो कार्यक्रम की पूरी शोभा ही है, सभी बहनें भी यहाँ पर बैठी हैं, सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम की सफलता का यदि सबसे बड़ा श्रेय किसी को दिया जाए, इन सबसे भी ऊपर कोई है तो नीचे बैठे भक्तगण हैं। यदि आप ना होंगे तो शोभा नहीं बढ़ेगी, आप ना होंगे तो सरल सफलता नहीं मिलेगी, आप नहीं होंगे तो क्या होता है, लगा लो पंडाल, लगा लो मंच। ध्यान रखना, मंच की शोभा ताई है और सभा की शोभा एक पूरी समाज है जो यहाँ पर बैठे हुई है। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। मैं कोई मजा आ गया क्या? ध्यान रखना, बस मैं यही कहूंगा कि बहुत से लोगों की भ्रांति है, अरे राष्ट्र संत और भारत गौरव और विश्व संत, ये सभी तभी तक तुम्हें लगेंगे कि मुझे ये उपाधि मिली है। लेकिन कमरे में बैठोगे तो मैं कोई राष्ट्र माष्ट्र संत नहीं हूँ। प्रेम से आइए, खुल के आइए, और कभी भी मैं VIP नहीं बनता हूँ। हाँ, टाइम फिक्स है, 12 से 3 ध्यान सामयिक का समय है। यार मैं सब में लगा रहूंगा तो अपने लिए भी तो कुछ करूंगा, तो उसके बाद कभी भी आप आइए, मेरे द्वार बंद नहीं मिलेंगे, हमेशा खुले मिलेंगे। कोई अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं है, ये कोई नेताओं का चतुर्मास नहीं है, ये संतों का चतुर्मास है। मुझसे तो छोटा बच्चा भी बात कर सकता है, बूढ़े भी बात कर सकते हैं, विद्वान भी बात कर सकते हैं, ज्ञानी भी बात कर सकते हैं। और आप चाहो कि शास्त्रार्थ करना है तो मेरे गुरु ने मुझे इस योग्य भी बनाया है, मैं आगम और शास्त्रों की बात भी कर सकता हूँ, मैं व्यवहार की भी बात कर सकता हूँ, मैं मानवता की भी बातें कर सकता हूँ, इतनी योग्यता मेरे गुरु ने मुझे प्रदान की है। आप सब आइए, मुझसे जुड़िए, मुझसे नहीं मेरे विचारों से जुड़िए, तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। ये सभा जो आज शुरुआत है, अंदाज भी अच्छा है और अंजाम भी अच्छा होगा। 27 तारीख को याद रखिए, गुरु पूर्णिमा का वो कार्यक्रम मेरा नहीं है, वो कार्यक्रम तुम्हारा है। सुबह का कार्यक्रम 8 बजे से सुबह से कार्यक्रम होगा। और एक ये 2 तारीख याद रखिए, 27 तारीख और 29 तारीख, पूरा देश के लोग यहाँ पर, हजारों लोग तैयार बैठे हैं यहाँ पर आने के लिए, आप सब भी उसमें आइए, उपस्थित रहिए। सारी दीवारें गिरा दो पंथवाद की, सारी दीवारें गिरा दो भेदभाव की, हाँ हम सब मानवता की दुनिया में जिए, एक नए समाज का निर्माण करें, नई सोच का निर्माण करें। आप सबने जो स्वागत सत्कार किया वो मेरा नहीं है, मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि लोग मेरा स्वागत करें, लेकिन आपने यदि स्वागत सत्कार किया है तो भगवान महावीर के भेष का स्वागत किया है, उनके चरित्र का स्वागत किया है, उनकी तपस्या का स्वागत किया है, उसकी वजह से मैं पूजा जा रहा हूं। लेकिन यही कहूंगा, ऐसा जीवन आप सबका भी हो। कल तो कुछ नहीं होगा, कल कुछ नहीं, 27 को अब सभा होगी, आप विशेष उसका ध्यान रखिए। और सभी लोगों को मैं आत्मीयता से आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, जिसका जितना योग्य है उससे ज्यादा मैं देने का प्रयास करूंगा। आप सब ने सुना, अनुग्रहित हूँ। जय
सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू। आरती उतारू थारी मूरत निहारू। सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू। आरती उतारू थारी मूरत निहारू। तुलक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू। सागर जी महाराज आज हरी आरती उतारू।